मातापुर प्रखंड में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के बाद सुपौल में आज मतगणना सुबह से जारी है। मतगणना स्थल बीएसएस कॉलेज के इर्द गिर्द भारी चहल पहल है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाकर कैंडिडेट व मतगणना कर्मियों की सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया गया। समर्थकों की भारी भीड़ को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि रोस्टर के मुताबिक ही मतगणना कराया जा रहा है। जिन क्षेत्रों की काउंटिंग होगी उसके अभ्यर्थी मतगणना एजेंट को कुछ समय पूर्व बुलाया जाएगा। इसके लिए माइकिंग की व्यवस्था की गई है। R9 भारत के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, छातापुर प्रखंड से। सर छातापुर प्रखंड का जो 8 तारीख को पोलिंग हुआ था उसकी मतगणना की प्रक्रिया अभी प्रारंभ है। सभी हॉल में मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है और गति भी अच्छी है जो मतगणना की है। पिछले चरण के कंपैरिजन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग देर रात तक इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। हर एक पद के लिए अलग अलग चरणवार मतगणना की जा रही है। सभी कर्मी और जो उनके प्रत्याशी हैं उनको माइक के माध्यम से चरण वाइज बुलाया जा रहा है और शांतिपूर्वक मतगणना का कार्यक्रम चल रहा है। आज सर पूर्ण हो जाएगा, आज शाम देर रात तक हम लोग कर लेंगे। जो चुनौती है, पिछली बार का हम लोग का अनुभव था, सबसे अधिक पंच और सरपंच में हम लोग को समस्या हुई थी, 12-1 बज गया था। उसमें कारण की ये है कि पिछली बार की बजाय हम लोगों ने टेबल की संख्या बढ़ाई है। पंच सरपंच में पिछली बार 14 टेबल थे, अभी 28 टेबल लगाए हैं हम लोगों ने। वार्ड और पंचायत समिति में भी टेबल की संख्या करीब दुगना की गई है। तो गति बढ़िया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि देर रात्रि तक हम लोग आज मतगणना का काम हल्का कर लेंगे। तो स्टार्ट करा चुके हैं, सुबह से स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारे जिला का सेकंड राउंड का मतगणना है छातापुर ब्लॉक का। शांतिपूर्ण मतगणना है, लगभग 5 राउंड मतगणना हम लोग कर चुके हैं। 6ठे राउंड में कहीं कहीं स्टार्ट हो गया है। पंच सरपंच के लिए हमारा दूसरा राउंड का मतगणना स्टार्ट हो चुका है। छातापुर पंचायत के जितने भी पद है उसका यहाँ पर मतगणना चल रहा है। कुल 6 पदों का मतगणना चल रहा है। सभी के लिए अलग अलग हॉल आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त बाहर में हम लोगों को जो कैंडिडेट उनके अभी करता है उनको उनकी के लिए हम लोगों ने गेट बनाया हुआ है। 2 लेवल पर बैरिकेडिंग की गई है। वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इस पूरे प्रांगण में आने से पहले वाहनों को रोका गया है। उसके अतिरिक्त जिस पंचायत का रोस्टर है, जो पंचायत का मतगणना प्रारंभ होने वाला था, उनके पूर्व उनके कैंडिडेट्स को और उनके अभिकर्ताओं को सूचित कर दिया जा रहा है स्पीकर स्मार्टशीट के द्वारा, ताकि उन्हीं लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है। ठीक करके शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतगणना चल रही है।